आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने कई करोड़ रुपयों की योजना जनता को समर्पित की है। संतोष यादव ने 1,82,00,000 रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कर ग्रामवासियों को विकास की सौगात दी। संतोष यादव अटेली हलके के कुंजपुरा गांव पहुंची। यहां उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचंड जनादेश देकर बीजेपी को देश की सेवा करने का एक और मौका देने पर जनता का धन्यवाद किया। संतोष यादव ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने पारदर्शी नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश की अलग पहचान बनाई है। तो आपको बता दें, जनता का धन्यवाद किया डिप्टी स्पीकर। जब जनता के बीच पहुंची तो जनता ने उनका स्वागत किया। आप तस्वीरों में जैसा कि देख सकते हैं कि यहां पर जनता भी गदगद दिखाई दी। संतोष यादव के उनके बीच में आने से फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया और इस दौरान डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने जनता को सौगातें भी दी, साथ ही बीजेपी सरकार को चुनने के लिए जनता का धन्यवाद भी किया। लेकर लोगों के हित में फैसले ले लेकर जन कल्याणकारी सरकार साबित होने का कार्य किया है। श्री मनोहर लाल जी की नीतियां, उनका नेतृत्व काफी लोगों ने सराहा है।